उनका जो चिरंजीवी होने का वरदान था, जो आप कह सकते हैं अमरत्व का वरदान था, वो श्राप में बदल गया। और अश्वत्थामा जो महाभारत काल में बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा थे, जो कि अकेले ही इतना शक्ति था उनमें पांडवों को अकेले ही सामना कर सकते थे, अश्वत्थामा जिंदा है। इसका एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक बार की बात है, महान राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से युद्ध करने से पहले एक जंगल में घूमते घूमते और एक 12 फुट लंबे हट्टे कट्टे इंसान को देखा, जिनका शरीर घाव से भर गया था और उनके माथे पर बहुत गहरा चोट था। तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े चिकित्सक भी थे, तो उन्होंने अपने शिविर में उनको ले आए और एक हफ्ते तक ट्रीटमेंट किए, पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उनके शरीर में जो घाव था वो कभी सूख ही नहीं रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान डाउट में ही उन्हें पूछ लिया कि सर में जो गहरा घाव था, कि आप अश्वत्थामा तो नहीं? तो उन्होंने बहुत धीरे से आवाज दिया, हाँ मैं अश्वत्थामा ही हूँ। फिर कुछ समय बाद वो वहां से कहीं पर चले गए और मानो जैसे कि गायब ही हो गए। और भी एक दावा किया जाता है कि उन्हें देखने की हमारे इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, जहां पर कि रोज सुबह मंदिर के गेट खोलने के पहले से ही कोई पूजा करके चले जाता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे शिव मंदिर में ऐसा देखा गया है। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। बहुत लोगों ने दावा किया है, बहुत सारे प्रूफ भी मिल जाएंगे कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर है, और कहाँ है ये किसी को नहीं पता।